की करीब 3,25,00,000 रुपए की अवैध तरीके से अर्जित कुल 30 चल व अचल संपत्तियों का कुर्क किया गया है। हरदोई में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी हरदोई के कुशल निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी संडिला के कुशल नेतृत्व, प्रभारी निरीक्षक हासिमपुर, प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा मौका मुआयना करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 151/2023 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह वध एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अतरौली से संबंधित 9 अभियुक्तों, जिनमें पहले का नाम जितेंद्र नट पुत्र स्वर्गीय गजराज, सोमिल पुत्र जितेंद्र नट, शितेश पुत्र जितेंद्र नट लोहा उर्फ शिवपाल पुत्र बेचेलाल व तारा पत्नी लोहा उर्फ शिवपाल, राजन पुत्र चुन्नीलाल, पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल, मिंटू पुत्र उमेश उर्फ मुन्ना और नवा जो अभियुक्त है सोनू पुत्र भूरे उर्फ प्रकाश, इन सर्व निवासी गण ग्राम नट पूर्वा मजरा सिकरोरी थाना अतरौली हरदोई के विरुद्ध अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह पद के अधिनियम अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3,25,00,000 के कुल 30 संपत्तियों को जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह हरदोई के आदेश अनुपालन में कुर्क किया गया और साथ ही अभियुक्त जितेंद्र नाट पुत्र स्वर्गीय गजराज की अवैध रूप से अर्जित एक मकान, एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स अप 30BA60232 व PNB बैंक में जमा 58,418 ओपन सहित कुल चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस तरह इसे 9 ही अभियुक्त जितने भी बताए गए हैं उन सभी के पास से जो संपत्तियां हैं उन्हें कुर्क किया गया है। चल अचल सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई जो है पुलिस ने की है। संवाददाता पवन गुप्ता की खास रिपोर्ट। इस जनपद हरदोई के थाना अतरौली में एक गैंग जिसके 23 सदस्य थे अनैतिक देह व्यापार में लिप्त था, जिनके विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया था। इसी गैंग के 9 सदस्यों को जो अवैध अपने व्यापार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी उसको DM हरदोई द्वारा दिनांक 30 तारीख को कुर्क कर लिया गया था। आज प्रशासन और पुलिस द्वारा उस सभी संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। इनमें कई मकान हैं, दुकानें हैं, खेत हैं, दो पहिया चार पहिया वाहन हैं और साथ ही साथ बैंकों में जमा धनराशि है। इस सभी संपत्ति की मार्केट कीमत लगभग 3,25,00,000 रुपये है।